सबको नमस्कार। आज हम आए हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि हु एम आई फिल्म के रिगार्डिंग है। ये फिल्म एक फीचर फिल्म है और अभी जल्द ही रिलीज़ होने वाली है 3 तारीख को ऑल ओवर इंडिया में, और कुछ स्पेशल स्क्रीन्स एमपी में 27 तारीख नर्मदा जयंती पर। और हमारे साथ फिल्म का सारा क्रू और कास्ट यहाँ पर अवेलेबल है, और हमारी फिल्म के लीड मिस्टर चेतन शर्मा यहाँ पर हैं, और फीमेल लीड जो स्टार कास्ट में ऋषिका चंदानी जी हैं, साथ ही हमारे सीनियर एक्टर हैं शशि वर्मा जी, सुरेंद्र राजन जी, और हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर आलोक प्रकाश जी, शिरीष प्रकाश जी, और क्रिएटिव प्रोड्यूसर आलोक कुमार जी। फिल्म के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, फिल्म एक फिलोसफिकल जर्नी है। काफ़ी सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में, उनके जवाब देने वाली फिल्म है, और फिल्म नर्मदा परिक्रमा के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, जो एमपी में रिवर है नर्मदा, और उसकी परिक्रमा होती है, ये एक वहाँ का रिचुअल है, तो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। एक फिलॉसफी स्टूडेंट की कहानी है, जो कि अपने सवालों में फंसा हुआ है और उनको ढूंढने के लिए निकलता है। क्या वो अपने सवालों को जान पाएगा, नहीं जान पाएगा, ये फिल्म है जी। ओके सर, फिल्म के बारे में ऑलरेडी बता दिया आपने, तो सबसे पहले ये बताइए कि फिल्म के अंदर जो स्टार कास्ट है, उनका क्या किरदार होने वाला है, अगर स्टार कास्ट से भी जानना चाहो कि कितने एक्साइटेड है फिल्म के लिए आप। जी, तो मेरे कैरेक्टर का नाम भवितव्य है, जो कि एक फिलॉसफी का स्टूडेंट है, और जैसे हम सबको कभी ना कभी जीवन में बैठना चाहिए और बैठकर सोचना चाहिए कि बाकी सारे जो हमें लेबल्स दिए गए हैं, उन सब के अलावा हम कौन हैं। तो ये लड़का वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ वही सोचता है और जीता नहीं। तो हमारी ये जो स्टोरी है, ये उसको बहुत अच्छे से पिरोती है, बहुत अच्छे से उसको स्टडी करती है। जो दो गुरु मिलते हैं उसको इस पूरे सफ़र के दौरान, वो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, और वो बहुत अच्छी जर्नी है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। हाँ जी, मेरा नाम ऋषिका चंदानी है, और मैं हु एम आई में अदिति का रोल प्ले कर रही हूँ, और जो मेरा कैरेक्टर है वो इनसे पूरा अलग है। वो जो लड़की है वो आज में जीने में बिलीव रखती है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, फुल ऑफ लाइफ है, और बहुत वेरिएशंस दिखेंगे आपको अदिति के कैरेक्टर में। बहुत अलग तरीके से वो कहाँ से कहाँ तक वो पहुँचती है, वो देखने को मिलेगा। आप दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर है बहुत ही सीनियर एक्टर है और बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा एज एन एक्टर? सो शशि सर को भी मैं पहले से जानता था, और राजन सर के साथ में मुझे दूसरी बार मौका मिला फिल्म में काम करने का, तो मैं बहुत खुश हुआ कि पहली दफ़ा जब हम मिले थे तो इतनी चर्चाएँ हो नहीं पाई थी हमारी, हम बहुत कम समय के लिए एक फिल्म पर हमने काम किया था, चिड़ी बल्ला। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये फिल्म फिलॉसफी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में थी, तो और सर का अपना अनुभव इतना रहा है, उन्होंने खुद जीवन को उस तरह से इतना देखा है, तो फिर हमारे लिए बहुत ही एनलाइटनिंग था। हम लोग उनसे हमने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करी, और अलग अलग बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करी, और जैसे वो खुद आज भी शायद खोज ही रहे वो आज भी ढूंढ ही रहे हैं, तो ये और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो ये साहस की कहानी है, मतलब वो हम लोग उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते। फिर जैसे शशि सर हैं, तो अभी बाहर ही कुछ तो हम डिस्कशन था जहाँ पे उन्होंने नर्मदा परिक्रमा को एक्सप्लेन किया, और मैं वो सुन रहा था और मैं समझ रहा था कि उनका कितना अच्छा इंसाइट है। वो इतने बेहतरीन कलाकार इसलिए हैं क्योंकि वो हर चीज़ को उतना परत दर परत देख पाते हैं। वही सेट पे भी हो रहा था, हम लोग जितना फिलॉसफी पे हमने डिस्कशन वगैरह किए उसमें, क्योंकि इतने पेचीदा सीन थे वो, हर किसी के लिए नहीं है जो फिलॉसफिकल टर्म्स हैं वो उतने आसान नहीं है समझना, जो स्टूडेंट नहीं है आम लोगों के लिए उतने आसान नहीं है समझना। तो हमारी सर से
एक एक सीन को लेकर जो चर्चाएं हुई हैं वो इसी बारे में हुई है कि कैसे उसको सरल किया जाए, और उन्होंने उसको रेशा रेशा कर दिया. मतलब अभी तक तो मुझे जितने भी फेस्टिवल रन हुए वहाँ पे यही रिव्यू मिला है कि जिन सीन्स को लेकर हमको सबसे ज़्यादा ऐसा था कि हमारी कही हुई बात पहुँच पाएगी, वो उसमें सर की बहुत तारीफ हुई है. तो मेरा तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ में. थैंक यू सो मच सर. शशि सर क्या कहना चाहेंगे किरदार के बारे में, और फिल्म बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा, फिल्म की जर्नी कैसी रही आपको? फिल्म की जर्नी बहुत बेहतरीन रही दोस्त, और 3 तारीख को रिलीज़ हो रही है. हम सब एक्साइटेड हैं कि ये फिल्म आए, सब लोग देखें, क्योंकि अपने आप में एक दार्शनिक फिल्म है, आध्यात्मिक फिल्म है. जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक और दार्शनिक फिल्म, इसका ये मतलब ये नहीं है कि पब्लिक जाएगी और उसमें मनोरंजन लेके नहीं आएगी. मनोरंजन को ढूंढना किसी भी व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत स्वभाव होता है. बहुत लोग पठान जैसी फिल्मों में भी अध्यात्म ढूंढ लेंगे, ढूंढते भी हैं, उससे बात भी कर लेते हैं. तो हमारी फिल्म जो है, अपनी फिल्म बात करते हैं, ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से हमने बाल्यकाल में कोई पाठ्यक्रम पढ़ा होगा सिलेबस में और पढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ लोग सोचते हो कि उसकी उपयोगिता अब कहाँ है, क्यों है, कैसे है, तलाश रहे होते हैं, ये फिल्म वैसे ही है. लोगों को एक बार देखनी ही चाहिए. ये इस फिल्म में ये प्रश्न है तो हम दो उत्तर हैं. सुनिए सर, मैं उत्तर हूं. वो अगर जिज्ञासा है तो हम उस जिज्ञासा को शांत करने वाले दूत हैं. अंततः फिल्म ये जरूर कहती है कि जीवन में जितने भी सवाल हैं या जितने भी उत्तर हैं वो भी उस सवाल का एक क्रम है. एक्सटेंशन ऑफ दैट, एनी आंसर इज एक्सटेंशन ऑफ दैट क्वेश्चन. ये इसमें संवाद भी है, बहुत खूबसूरत रूप से लिखा है. अच्छा, इसको ऐसे समझा जाए कि ये जितनी फिल्म आध्यात्मिक है और अध्यात्म सब के बारे में बात करने वाले लोगों के दाढ़ी बढ़ जाते हैं, बाल बड़े हो जाते हैं, और एक तरह की बातें होती हैं. सर मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनका अनुभव तो खैर 4 चांद लगाया. अब आप सोचिए कि इस फिल्म की परिकल्पना करने वाला एक युवक जो 22-23 साल अपने जीवन के 22-23 पसंद देखता है और उसको लगता है कि जब उसको फिल्म बनानी है तो ऐसी फिल्म बनाए, ये बहुत साहसिक कार्य है. उससे बड़े साहसी थे शिरीष, जिनके हम नाम हैं, उनकी उम्र आप देख लीजिए, वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. इस पूरे फिल्म को जिन्होंने अपने छत्र छाया में रख के बनाया, आलोक प्रकाश जी ने, इस पूरे फिल्म की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए जितनी बातें हो सकती हैं, आलोक वो भी आलोक हैं, तो दो दो आलोक मिलकर आलोकित कर दिया प्रोजेक्ट को, और दो दो शरीर हैं. आप सोच लीजिए कितनी जबरदस्त फिल्म बनी होगी. इस फिल्म के क्रूज को अगर आप देखेंगे, सारे क्रूज मुझे लगता है कि 25 साल से कोई बड़ा होगा, मतलब उसमें हम आते हैं बड़े, महाप्रभु तो हैं ही साथ में. इनका अनुभव, मैं इनसे तो कोई ऐसा तो नहीं कि शायद ही कोई होगा जिनसे परिचित नहीं होगा. मैं इनको पहले फोटोग्राफर के रूप में जानता था, बाद में मालूम चला ये अभिनेता भी हैं, फिर ये पेंटर हैं, और अब तो उम्र के इस पड़ाव में हैं और इतने युवा हैं कि दार्शनिक तो अपने आप में है, क्योंकि आज भी खोज रहे हैं. इनके बारे में हमारे एक मित्र बताया करते थे, जितनी बात इनके बारे में बताया करते थे वही इस फिल्म का माध्यम भी है सर, वही इस फिल्म का कथ्य भी है. अब ये फिल्म क्या कहता है, हु एम आई, मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि हर लोगों को देखना ही चाहिए ये फिल्म. वो इसलिए देखना चाहिए कि जीवन में हर आदमी ढूंढ ही रहा है. इसने कहा क्या कहा कि हम लोग सर अभी भी ढूंढ रहे हैं, सर ही नहीं ढूंढ रहे हैं, जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, और हमें लग रहा है आज मिलेगा तो कल मिलेगा. सापेक्षिक बात बोल रहा हूँ, क्या ढूंढ रहे हैं ये अपना अपना है, ये अपना ढूंढ रहे हैं, ये अपना ढूंढ तो सब रहे हैं. इस फिल्म को अगर आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा तो आपको आपकी जो खोज है उसमें आसानी होगी. जहाँ तक अनुभव की बात है तो दूसरी फिल्म तो मैंने ये सोच करके की थी कि मैं एक एक्टर की तरह फिल्म कर रहा हूँ प्रोफेशनल,
लेकिन जब इस फिल्म के बारे में शिरीष जी ने मुझसे बातचीत की, फ़ोन पर ही बातचीत हुई थी, और जो कॉन्सेप्ट था तो एकदम से मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया उसके साथ। तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं इस फिल्म में एक्टिंग कर रहा हूँ या एक्टर हूँ, तो प्रोफेशनल या उससे कुछ लेने देने, मुझे ये था क्योंकि मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी और जो करेक्टर उसमें था वो उसके साथ मैंने आइडेंटिफाई किया। और ये को अहम जो है, मुझे मालूम है कि जब मैं बहुत ही यंग था, 16-17 साल का होऊंगा, तब इनकाउंटर हुआ था इस सवाल से, और तब से लेकर के अब तक जिस तरह का जीवन रहा है और जिस तरह के अनुभव रहे हैं मेरे, तो हमेशा ही लगता था कि ये जीवन क्या है, क्या है ये, हम हैं क्या, और हमारा क्या, जो आसपास जो लोग हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, किस तरह से हम देखते हैं, वो कितने दिन के लिए है, इस सारे इस तरह के प्रश्न हमारे बीच में आते रहते हैं। और शायद इसी मेरा तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया कि मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ उस करेक्टर की तरह, तो मैंने फिल्म की तरह इसको नहीं किया था, बल्कि ये अनुभव और अपने अनुभव में थोड़ा सा और एडिशन करने के लिए, जोड़ने के लिए, क्योंकि बातचीत के माध्यम से वो चीज़ें खुल करके, जो हमारे मन के अंदर बात होती है वो खुल करके आती है डायलॉग्स के माध्यम से। और वो भी मैंने इन लोगों को भी कभी न मैंने सोचा कि ये डायरेक्टर ने, न मैंने सोचा ये एक्टर इसमें एक्टिंग कर रहे हैं, इसको फिल्म को मैंने उस तरह से देखा ही नहीं कभी भी कि फिल्म में कर रहे हैं। तो इनसे जो इंटरेक्शन होता था, बातचीत होती थी, या डायलॉग बिल्कुल अलग है, वैसे भी बातचीत जब पर्सनल होती थी, तब भी मैंने कहा, महसूस किया कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ और जो मेरे अंदर इतने सालों से जो मेरे अंदर सवाल थे वो भी उत्तरित हो रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से। और ये सोचने वाले किसी भी व्यक्ति के दिमाग में किसी स्टेज पर ये सवाल तो आता ही, कोआ बाकी जैसे, और अंतर भी है दूसरे लोगों में, जैसे जो कर्मयोगी लोग हैं तो उनको, तो उनका सिंपल सा एक ये इस तरह के सवालों से उलझने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि सोच छोड़ देते हैं वो कि जो होगा मर्जी होगी ऊपर वाले की, वैसे ही होगा, तो उनको ये सब जानने की समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कौतूहल नहीं होता है। लेकिन जो समझने वाले सोचने वाले लोग हैं उनको ज़रूर हमेशा लगने एक न एक स्टेज पे ऐसा लगने लग जाता है। तो इसको लेकर के ये फिल्म पूरी की पूरी थी, जो पूरा कॉन्सेप्ट और इतना बढ़िया स्टोरी लिखी है उन्होंने, अशोक जी ने इतनी उम्दा, शायद ये कसमकस उनकी भी अपनी खुद की रही होगी, तो सोचते हैं हम सब लोग हैं, लेकिन प्रकट उन्होंने शब्दों में जिस तरह से उसको बांधा है वो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और फिर उस कहानी को लेकर के इनको प्रेरणा मिली कि हमें फिल्म बनानी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी वही बात चल रही थी, उसी तरह की बातचीत चल रही थी। फिर सबके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम लोगों को भी जब शूटिंग चल रही थी तो इसी चीज़ का अनुभव कर रहा था, तो हम उसको फील कर रहे थे उन सब चीज़ों को। तो बिल्कुल ये मैंने इसको फिल्म की तरह लिया ही नहीं, इसको अपने खुद के एक्सपीरियंस को एक्सटेंशन वाली बात लगी मुझे। तो एक मेरी पहली फिल्म है, और जब मैं 20 साल की थी तब ये शूटिंग की थी, अभी मैं 22 की हो गई हूँ। तो मतलब मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे ऐसी कोई फिल्म की स्क्रिप्ट हाथ में आएगी और मैं इसमें कुछ दे पाऊँगी। तो जब शिरीष ने ऑडिशन भेजा था तभी मैं भगवान को प्रे करने लग गई थी कि मुझे ये फिल्म चाहिए, और अशोक सर और आलोक सर और शिरीष, इन सबको ऑडिशन पसंद भी आ गया, तो वो बहुत अच्छी बात हो गई थी। और मैं भी सर से इस चीज़ में मतलब बिलीव करती हूँ कि मैंने भी उधर एक्टिंग नहीं की, क्योंकि शिरीष ने जो कैरेक्टर्स चूज़ किए थे, जो एक्टर्स चूज़ किए थे, वो काफ़ी कुछ कैरेक्टर से मिलते जुलते थे। तो रियल लाइफ में भी देखा जाए तो मैं आज मैं जीने वाली इंसान हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ, और इसीलिए मुझे लगा कि मैंने उसमें कुछ एक्टिंग नहीं की है। और
जो रियलिस्टिक सिनेमा कहते हैं, जो रूटेड कल्चरली रूटेड फिल्म्स होती हैं, उसमें काम करके बहुत मज़ा आया। और मैं थैंक यू चेतन को भी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे को एक्टर थे, और क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग में भी बहुत हेल्प की मेरी। और साथ ही मैं शिरीष को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो 15 दिन हमारी वर्कशॉप हुई थी उसमें मुझे जहाँ पे गाडरवारा जैसे शहर में, होशंगाबाद जैसे शहर में अदिति रहती होगी, उसका पूरा एक्सपीरियंस दिलवाया, तो मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू श्री जी। आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल के जवाब भी मिलने वाले हैं बहुत सारे लोगों को, कितनी एंटरटेनिंग होगी और कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत ही लेजेंड है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, नए एक्टर्स भी है, चेतन भी बहुत अच्छे एक्टर है, कैसा एक्सपीरियंस रहा सारे एक्टर्स के साथ काम करने का, और अगर थोड़ा सा बताएं कितनी एंटरटेनिंग होगी ये फिल्म? फिल्म अभी हम जब नाम सुनते हैं तो हु एम आई, और लगता है कि क्या बड़ा सा शब्द है, और फिर लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं। पर मैं ये बहुत आसान भाषा में कहना चाहूँगा कि फिल्म एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है, और वी अभी हमें जस्ट बेस्ट रोमांटिक फिल्म का अवार्ड मिला है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो वाकई फिल्म एक स्पिरिचुअल लव स्टोरी है, और सभी के साथ, मतलब मैं थैंक्स करना चाहूँगा आलोक सर का और शिरीष का, क्योंकि जिस तरीके से जो मुझे चाहिए था इस फिल्म को बनाने के लिए, या जैसे कैरेक्टर्स मुझे दिख रहे थे, जैसे चेतन फॉर भविता वेन सदानंद, ऋषिका शशि सर फॉर वीएलएन सर, राजन जी, जैसा मैंने उन कैरेक्टर को इमेजिनेशन किया था, जब आप फिल्म बनाने के लिए निकलते हो वो सब आ गए, वो सब ऑन बोर्ड आ गए, और आज हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, और फिल्म सबके होने से, क्योंकि सब, जैसा सर ने कहा कि फिलोसफिकली सब कनेक्टेड हैं, सबका एक माला की वो गुरुओं की तरह हैं हम लोग जो बैठे हुए हैं, और सब वो एक ही कड़ी में बह रहे हैं अपने अपने दिशाओं में, तो वो सब मिल गए, तो मेरे लिए तो मतलब एक ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था जब हम शूट कर रहे थे। और सबके साथ एक क्या होता है कि जब आप फिल्म बनाने निकलते हो तो एक फिर आप अपने दिमाग के लिमिटेशंस होती हैं, अपने दिमाग की चीज़ें होती हैं, जैसे ही चेतन आए, शशि सर आए, ऋषिका आई, राजन जी आए, और हमारे सभी लोग सर आए, तो वो चीज़ें ब्रॉड होती गई, बढ़ती गई, और वो फिल्म अपने आप में आज तक फिर वो बहती ही जा रही है। ये प्रोड्यूसर से जानना चाहूँगा, जैसे इन दिनों कंटेंट की बात होती है, क्या खास चीज़ देखी इस सब्जेक्ट में, और इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना कितना इम्पोर्टेंट था, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहूँ? खास चीज़ ये देखी कि दैट जब इसने हमें ये प्रेजेंट किया था तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट था, हम लाइक ऐसी चीज़ें नहीं देखते। एंड अभी जैसे इसने एक्सप्लेन किया शिरीष ने कि ही सॉ दैट विजन, एंड लाइक और हमें भी वही अच्छा लगा। लाइक जब आप हु एम आई सुनते हो तो अंदर से एक फीलिंग आती है आपको कि मतलब हाँ, लाइक हु एम आई एक्चुअल में, कैसा बन रहा हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन। तो जब स्टोरी स्क्रिप्ट वगैरह ये सब सुना तो हम भी उस चीज़ से, जैसे सब ने बोला है, उस चीज़ से को कनेक्ट हुए थे उस लेवल पे। एंड इस शिरीष ने जो विजन देखा था उसको हम बस ट्रस्ट कर सकते थे एंड फॉलो कर था। एज अ प्रोड्यूसर कैसी जर्नी रही, क्योंकि इसमें कोविड भी आया था, और एज अ प्रोड्यूसर थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम था, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे, क्या चैलेंजेस थे? चैलेंजेस शुरू से ही थे, क्योंकि जब ये मूवी आई तो कोविड ही चल रहा था, और जब इसने ये मूवी का प्रोजेक्ट भेजा था हमारे पास, उस समय क्या था कि आप जो है कहीं जा नहीं सकते हो, आ नहीं सकते हो, लेकिन जो है आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जब OTT पे जाते थे तो जिस तरह का कंटेंट अवेलेबल था वो कंटेंट आप जो है फैमिली के साथ देख नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। देन आई रियलाइज कि देर इज़ सम ऑडिशन विच वॉन्ट नीट एंड क्लीन सिनेमा, नंबर वन। तो पहला तो ये था कि स्टोरी जो थी कि स्टोरी नीट एंड क्लीन है। सेकेंड, ये जो है सोल को जो है छूती हुई जाती है। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जो है, अभी यदि आप जो है हर एक से पूछोगे, इंडिविजुअल स्टोरी में जाओगे, तो आपको पता लगेगा कि हम जो है कहीं ना कहीं इस फिल्म के साथ जो है अपने आप को कनेक्ट कर पाए। और जब कनेक्ट कर पाए तभी ये डिसीजन होता था। जब हमने स्टार्ट किया था तो जो है कोविड था, कोविड में बहुत सारे चैलेंजेस थे।
आपके पास नंबर ऑफ क्रू जो है कम होगा, आप जो है रेस्ट्रिक्शंस थी बहुत सारी, सर के साथ शूटिंग कर रहे थे, ठीक है, जो कि अपने आप में जो है एक बड़ा चैलेंज था। तो ये सारे चैलेंजेस टीम क्योंकि जो है यंग थी, सारे लोग जो है इसमें लेस देन 25 ईयर्स ओल्ड थे, इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, बाकी जो है ये कह सकते हैं कि हम तीन लोग ही, तीन या चार लोग थे जो 25 से ऊपर के थे, बाकी सब ये 25 थे। तो उनमें जो है सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है यंग क्रू के साथ कि इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है, और एनर्जी लेवल जब तक हाई रहता है इनसे जो है बहुत अच्छे काम कराए जा सकते हैं। लेकिन जब ये जो है फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, एक वर्ड जो है फ्रस्ट्रेशन का, इनका एनर्जी लेवल जो है जीरो भी कहना जो है कम होगा, उससे जो है जितना ऊपर होते हैं उतना ही नीचे चले जाते हैं। सो देयर शुड बी समवन हु कैन टेक केयर ऑफ दीज पीपल कि भाई जो है आप जो है यहाँ उतरने वाले तो थोड़ा सा रोक लेते हैं आपको। तो उस काम में जो है क्योंकि सर थ्रू आउट, राजेंद्र सर जो है थ्रू आउट शूटिंग के अंदर थे, एक दो लोग और जो है हमने डाले कि जो है इनका एनर्जी लेवल जो है जो भी है मॉरल बूस्टअप जो है रहना चाहिए, गिव देम फ्री हैंड, जो करना चाहते हैं करो, क्या होगा जो है ऐसा ही है ना, तो पैसा जो है आएगा जाएगा वो सब चीज़ें हैं। लेकिन यदि आप किसी को क्रिएट कर रहे हो तो जो है डोंट गो विद द काइंड ऑफ थिंक कि ये करना है ये नहीं करना, लेट डू दिस। बहुत छोटी सी शुरुआत हुई थी, हम धीरे धीरे करके जो है उसमें चीज़ें ऐड ऑन करते गए, ऐड ऑन करते गए, एंड नाउ मोरल जो है 15 फेस्टिवल्स के अंदर जो है ये सेलेक्ट हुई या अवार्ड मिले। तो उसकी ये हमें जो है पता लग गया था कि जब ये सेलेक्ट हो रही है इंटरनेशनल ज्यूरी देख रही है उसको, अच्छे अच्छे जो एक्सपर्ट हैं वो इसको जो है जज कर रहे हैं, तो हम जो है बेसिक गलती पर नहीं हैं, हमारी जो चीज़ें हैं वो हमने कोई ऐसा रॉन्ग काम नहीं किया हुआ, सब कुछ जो है अच्छा किया हुआ है। जब हमने फेस्टिवल्स में जाकर देखा, जो कमेंट्स हमें मिले, जो प्रतिक्रियाएँ मिली लोगों की, एट दी एंड मैं ये कहूँगा कि ये जो फिल्म है जो 3 तारीख को रिलीज हो रही है, कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग हम इसकी नर्मदा जयंती के ऊपर, क्योंकि नर्मदा के आसपास की स्टोरी है, तो नर्मदा जयंती के ऊपर जो है एमपी में करेंगे, 27 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिल्म जो है इंडिया वाइड जो रिलीज होनी है वो 3rd को ही होगी, सॉरी 3rd फेब को होगी। फिल्म देखने के बाद जिसने भी फिल्म देखी है या जो देखेंगे, आई एम श्योर कि कोई ना कोई एक बार चाहे पहले देखे या बाद में देखे, देखेगा ज़रूर इसको। और बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी कहना, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिसमें जो है एक्टर कोई नहीं है, सबने अपने अपने असली पात्र जिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है या मेरा जो ऐसा विचार है कि चाहे शशि जी हों या राजन सर हों, चेतन हों या ऋषिका हो, ये इनकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक ऐसा करेक्टर रहेगा जो कि शायद ये जो है नहीं हो पाएगा। एक मूवी शोले बनी थी तो असरानी दोबारा रिपीट नहीं हुआ, मुझे भी ऐसा लगता है कि इनमें से ये दोनों ये रिपीट करें मैं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरे कास्ट के साथ? मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली आलोक सर ने जब मुझे बताया कि एक कहानी बहुत मुझे अच्छी लगी है और इसको बनाना है, तो जब मैंने कहानी पढ़ा और सुना, बेस्ट सेलिंग बुक वो हम पे आधारित थी कहानी, और इसमें एक ब्यूटीफुल जर्नी थी एक कैरेक्टर की जो लव स्टोरी के साथ जाता है, हमें सही बनाना चाहिए। और इस पर जितने भी स्क्रीन प्ले या डायरेक्टर के साथ बैठ करके हम लोगों ने काफ़ी बाउंस बोर्ड किया बातों को, और एक अच्छी स्क्रिप्ट लेके आया और बनाई पिक्चर, बहुत खूबसूरत बनी है पिक्चर, आप सबको देखना चाहिए। आखिर में शीरीष क्या क्या मैसेज होगा हमारी ऑडियंस के लिए जो बहुत ही जल्दी फिल्म को देखने वाले? ऑडियंस के लिए मेरा यही मैसेज है कि हमने कुछ नया लेकर के आ रहे हैं, और जैसे ऑडियंस को कंटेंट, आप भी कंटेंट ड्रिवन हो रही है ऑडियंस, तो जाइए आप फिल्म देखिए और अच्छी लगे तो और लोगों को बताइए। हम पूरा क्रू आपसे यही रिक्वेस्ट करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ कर लो कर लो।